वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा और आज है फ्राइडे का दिन, शाम के 5 बज रहे। मस्त मौसम है, समर वाला सीज़न है और धूप भी बहुत अच्छी हो रखी है। लेकिन मेरे चेहरे पे जो ग्लो है, जो एक्साइटमेंट है, वो किसी और चीज़ का है। थंबनेल लेकर के आप समझ के होंगे। फिलहाल मैं थोड़ा और अच्छे से डिटेल में आपको बताती हूँ। डिटेलिंग ये है कि आज बहुत टाइम के बाद घर से कुछ सामान आया है। और जब आप बाहर रहते हो तो घर से कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ या बड़ी सी बड़ी चीज़ कुछ भी आती है तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होता है। बस वैसे ही आज मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जो चीज़ें आई हैं वो स्पेशल है क्योंकि वो फेस्टिवल के लिए आई हैं। और फेस्टिवल भी जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तीज, तो उस तीज फेस्टिवल के लिए घर से कुछ चीज़ें आई हैं जो मैं आपके साथ अनबॉक्स करना चाहती हूँ। मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ कि घर से क्या क्या चीज़ें आई हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको खोलने के लिए। इस बॉक्स के आने का मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और वेट कराना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको आज मेरे साथ लेके जाना चाहती हूँ एक सलोन में जो मेरे घर के जस्ट बगल में है। बहुत टाइम से मैंने अपने आईब्रोज नहीं कराए, तो मैं आपको उस जर्नी में भी अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ की सलोन। और ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी तो मैं फटाफट चलती हूँ और आपको साथ में लेके चलती हूँ। और वहाँ से आने के बाद मैं अपने कुरियर की अनबॉक्सिंग करती हूँ। आई जस्ट होप कि मेरी ये खुशियाँ और मेरी ये चीज़ें देख के आपको अच्छा लगे और आप बहुत सारा प्यार दो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। तो फटाफट चलते हैं, नीचे मिलते हैं। मैंने अभी अपने आईब्रोज करा लिए हैं और यहाँ जहाँ मैं कराती हूँ यहाँ पे आईब्रोज के चार्ज है $5, इंडियन रुपीज़ में अराउंड 400 रुपये होते हैं। लेकिन आईब्रोज अच्छे होते हैं तो इट फील्स गुड। चलो चलते हैं। अभी मैं वापस घर आ गई हूँ और घर आने के बाद मुझे इतनी एक्साइटमेंट है मेरा ये बॉक्स खोलने की जो कि इंडिया से आया है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इंडिया से क्या क्या आया है, क्या क्या भेजा है हमारे घर वालों ने। फटाफट चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बॉक्स। ये रहा मेरा बॉक्स जो आया है इंडिया से और ये आज ही डिलीवर हुआ है। और मैंने बहुत पेशेंटली इसको खोलने का इंतज़ार किया है। फटाफट इसको खोलती हूँ। और अगर आपको जानना है कि ये इंडिया से आप यहाँ पे कैसे सामान मंगा सकते हो, तो ये बहुत ईजी है। आप DTDC या फिर ये इंडिया पोस्ट से आया है और ये पर केजी के हिसाब से वेट चेक करते हैं, वेट के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं, अराउंड 1000 आई थिंक 1500 के अराउंड। और ये मेरा बॉक्स है जिसमें आज देखते हैं क्या क्या पिटारा खुलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं चाकू वाकू सब लेके बैठी हूँ खोलने के लिए। बहुत ज़्यादा ही पैकिंग की हुई है ताकि जो इसके अंदर है वो टूटे ना। हर जगह मेरे को सिर्फ सेलो टेप दिख रहा है, तो फटाफट खोलती हूँ मैं। ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है इसमें। इसमें आपको एक ऐसी रिसिप्ट भी मिल जाएगी जो कस्टम क्लियरेंस के टाइम पे वो लोग डालते हैं। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि इसमें क्या चीज़ है और कितना केजी का ये बॉक्स है, कहाँ से आया है। ऑब्वियसली इंडिया से आया है तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे। और कुछ ज़्यादा ही अच्छे से इसको चिपका दिया इन लोगों ने, तो ये खुलेगा ठीक से। ओके, तो बेसिकली यही लिखा हुआ है और जिसने भेजा है जो कि मेरे पिताश्री है उनका नाम है। तो ये कस्टम क्लियरेंस का एक रिसिप्ट है जो इसके साथ ही चिपका हुआ आया हुआ है। और फिर बस लेट्स गेट बैक टू ओपन दिस। ये है मेरा पूरा बॉक्स। इस डब्बे में जो नेक्स्ट डब्बा है, ये ऐसा लग रहा है मैं डब्बे के अंदर डब्बा खोल रही हूँ। क्या जबरदस्त तरीके से इसको बांधा गया है, इसको तो बिल्कुल काटना ही पड़ेगा। बहुत ही कुछ है। तो ये है मेरी पहली सारी आई है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब तीज आने वाला है और तीज के लिए मुझे नए कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये मेरे घर से गिफ्ट आया है मेरे लिए, मायन के लिए।
कुछ और आया है वो अलग है, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको मेरा दिखाती हूँ। इतनी भी सारी है, मैं आशल का ऐड भी कर रही हूँ। ये एक बहुत बड़ा शॉप है हमारे घर के पास। तो ये एक बांधवी फ्रेंड की साड़ी है जो बहुत सुंदर है, ब्लू कलर की। और साड़ी है, क्योंकि दो साड़ियाँ चाहिए होती है तो एक और साड़ी आई। ये भी ये रानी कलर की साड़ी है, तो ये भी इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, दोनों ही कलर मुझे बहुत पसंद आए थे। तो ये एक और साड़ी है। इसके बाद इसमें ये ब्लाउज है, तो ये दोनों साड़ियों के ब्लाउज हैं। और इसमें दोनों साड़ियों की चूड़ी और लहती जो चाहिए होती है वो प्रॉपर पूरा सेट है। और क्योंकि ये सावन महीने में मम्मी ने भेजा था, तो ग्रीन कलर की लहती भी है, ग्रीन कलर की बिंदी भी आई है और मल्टीपल कलर्स भी हैं। क्योंकि मैं बहुत क्या कहते हैं उसको, संस्कारी लड़की हूँ, जो बहुत ज़्यादा बिंदियाँ लगाती नहीं हूँ, तब इतनी सारी बिंदी आई है मेरे लिए। ये देखो बहुत सुंदर सुंदर बिंदी है। ये है ग्रीन लहती और ये जो है मल्टी कलर। ओके, इसके अंदर सावन के लिए और तीज के लिए मेहंदी है, नेल पेंट ग्रीन, सिंदूर भी है। और उसके बाद है ये मेरी मैचिंग लहती जो तीज में पहनने के लिए है, जो मेरी साड़ियों के कलर के साथ मैच होती है, रानी कलर और ब्लू कलर की, आप देख रहे हो। तो ये भी लहती बहुत सुंदर है। अब मम्मी ने ये सावन पे भेजा है तो मैं ये पहन भी लेती हूँ अभी के अभी, साउंड खत्म होने से पहले मैंने ये पहन ली। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आज एक बार मेहंदी भी लगा ही लूं। ये तो ये था ओवरऑल आज का पिटारा, जिसमें मेरा पूरा तीज का सामान आया था। अगर आपको तीज नहीं पता होगा तो तीज हमारे वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, जो शादीशुदा औरतें करती हैं। जैसे जैसे हम लोग करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं वैसे ये तीज भी होता है। बस डिफरेंस ये है कि तीज नेक्स्ट डे आप जाकर के पानी पीते हो, और करवा चौथ में एक दिन का पूरे दिन का पास होता है। आप आगे के बोलो मैम को बस पीछे से टिप्पणियाँ करने में मजा आ रहा है, वहाँ पे बस आराम से बैठे हुए हैं। और अगर मैं कुछ 10 fractions ऑफ सेकेंड्स भी लेट कर रही हूँ तो वो पीछे से मेरे को बता रहे हैं कि हाँ ये है। तो बेसिकली घर से कुछ भी आता है तो एक्साइटमेंट लेवल तो सुपर हाई होता है, और आज का वही था। ये तीज का पूरा सेटअप था और मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ियाँ, बहुत सुंदर है, ये कलर बहुत प्यारा है, जो आई थिंक वीडियो में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा डेफिनेटली। तो ये थैंक यू सो मच। अब मैं मिलती हूँ इन साड़ियों के साथ आपको तीज वाले वीडियो में, उसके बीच में ऑब्वियसली वीडियोज आएंगे, लेकिन इन साड़ियों के साथ आपको मैं प्रॉपर खोल के जो दिखाऊंगी और पहन के दिखाऊंगी वो तीज के दिन होगा, तो देखना मत भूलना। और घर का प्यार तो प्यार होता है, बहुत मिस करते हैं हम लोग कभी कभी कुछ कुछ फेस्टिवल्स के। इट्स ओके। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप इंडिया से कोई सामान मंगाना चाहते हो या फिर इंडिया भेजना भी चाहते हो तो इंडिया पोस्ट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू DTDC, FedEx, ये सब जो है, क्योंकि वो शायद मेरे को लगता है थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, और इंडिया पोस्ट आपका रिजनेबल चार्ज करता है और टाइम पे पहुँचा भी देता है। 10 दिन पहले ये कुरियर हुआ था और 10 दिन में मुझे ये मिल गया है मेरे घर पे। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इंडिया पोस्ट यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी बहुत सारे अमेजिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं तो टिके रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।